हाय एवरीवन, माय नेम इज शान भसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और मार्केट बहुत ज्यादा अच्छे से ब्रेकआउट ही कर गई है। हम लोगों ने देखा था पास्ट थ्री वीक से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे थे, बट आज लास्ट आवर में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया एंड शॉर्ट कवरिंग के थ्रू हमने मार्केट में एक अच्छी रैली देखी है। अब क्या ये रैली सस्टेन हो सकती है? क्या ये शॉर्ट कवरिंग थी? क्या ये सिर्फ मंथली एक्सपायरी में जो लोगों ने अपनी पोजीशंस बना रखी थी उसको कवर अप करने के लिए थी, क्या ये भी कंटिन्यू रह सकती है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। कल है गाइस फ्राइडे, फ्राइडे के बाद अगर हम लोग मंडे को मार्केट ओपन होगी तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फर्स्ट तारीख को ओपन करेंगे। एंड ये वाला जो मंथ है, अगर इस फ्राइडे को या इस महीने वो वीकली क्लोजिंग दे देता है या मंथली क्लोजिंग दे देता है 34,800 के ऊपर बैंक निफ्टी एंड 17,000 के ऊपर निफ्टी, सो डेफिनेटली हम लोग एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हमें एक रेंज के ऊपर का एक बीर बुलिश कैंडल का क्लोज जरूर चाहिए होगा। अब बात करते हैं आज के मार्केट में हुआ क्या क्या। हम लोगों ने आपको कल YouTube पे बताया था कि हम लोगों को किस तरीके से प्ले करना है। अगर गैप अप खुलेगा तो हम लोगों को वेट करना है, बिकॉज FII के डाटा में उन लोगों ने पुट्स भी बाय करी हुई हैवी क्वांटिटीज में, उन लोगों ने फ्यूचर भी बाय करा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट एक ट्रैप कर सकती है। अगर गैप अप खुलेगा तो पहले एक वेट करना है, हमें आधा घंटा चेक करना है कि मार्केट क्या कर रही है। अगर मार्केट नीचे आ रही है वी हैव टू वेट फॉर द रिवर्सल, अगर मार्केट नीचे है गैप डाउन खुली और अगर नीचे जा रही है तो वी हैव टू वेट फॉर द रिवर्सल एंड देन हमको एंट्री लेनी है। हमें एक बहुत क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल मिला मार्केट और हमने पूरी मूवमेंट को कैप्चर करा। सो चलते हैं एक बार अपने सेटअप पे एंड लेट मी जस्ट शो यू कि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर अगर आप ज्वाइन थे तो आप लोगों ने कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज देखी और अगर आप लोग नहीं ज्वाइन थे तो आपने क्या क्या मिस करा आज की मार्केट में। चलते हैं अपने सेटअप पे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आज की बात है, आज हम लोगों ने आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के 917 पे ही सेटअप प्रोवाइड करवा दिए थे जहां पर हमें मेजर सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अदर देन दैट फोकस स्टॉक्स हमने आपको बता ही दिए थे कि रेमंड आईसीआईसीआई बैंक अबव 726 एंड आईसीआईसीआई जीआई हो सकता है। अब वॉइस नोट्स होते हैं जनरली जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी किस तरीके से प्लान करना है कि बेसिकली अगर इस लेवल पे आता है और यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल ऊपर बंद होती है तो हमें एंट्री ले लेनी है, हमारा टारगेट ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा। सो बेसिकली वॉइस नोट्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप चेक कर सकते हैं तो हम लोगों ने इस वॉइस नोट के थ्रू आप लोगों को एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी दी थी कि 16,550 का आप कॉल ऑप्शन एंड बैंक निफ्टी में 34,600 का कॉल ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। इस पे मैंने लेवल्स बताए थे कि अगर वो लेवल ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं एंड आफ्टर दैट अभी इसका हम लोग हाई चेक करेंगे तो 120 है, इसका 500 रुपये भी क्रॉस कर चुका है। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक स्टॉक दिया था आपको ट्विटर बाइंग 185 के ऊपर, ये 191 तक भी गया था बट अभी 185 पे दोबारा ट्रेड कर रहा है, वी कैन हम लोग इस पर एक री एंट्री डेफिनेटली ले सकते हैं। आफ्टर दैट एक स्टॉक और प्रोवाइड करवाया गया, ये तो मैं आज भी आपको दे रहा हूँ, अभी हम चेक कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जो मार्केट गिरी हुई है तो डू लेट अस नो इन अ वोट सेक्शन। डेफिनेटली आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जाके पहले वो फॉलो करिए एंड इधर वोट सेक्शन में अभी ऑलमोस्ट 416 वोट्स आ चुके हैं, तो अगर आप लोग येस बाय बोलते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से 5 to 6 स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं जिस एक मंथ के लिए, वो भी जो आप लोगों को 10 to 15% का रिटर्न दे सकता है इन सिंगल, तो ये भी आप हमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने आपको बता दिया था कि एक बैंक निफ्टी ने फायर कर दिया, इट्स अ शॉर्ट कवरिंग अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू हैपन अबव 34,800 एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आई हैव शेयर्ड यू द चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी दैट इट मेक्स अ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, वॉल्यूम्स आर नॉट दैट गुड बट द प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, बट आफ्टर अ ब्रेकआउट फ्यूचर्स पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा था कि वॉल्यूम्स भी अच्छे बढ़े हुए थे एंड ऑलमोस्ट आफ्टर अ ब्रेकआउट हम लोगों ने 34,800 से 35,200 तक की रैली भी देखी है। इसी के साथ आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट यू कैन बाय 2 जून 35,000 कॉल ऑप्शन एट 380 और अभी हमने जो टारगेट्स आपको दिया था 600 रुपीज का, आज का हाई 591 है। सो डेफिनेटली एवरीथिंग इज अचीव्ड, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मैनी हैव शेयर देयर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स एंड बहुत लोगों ने अर्न करा। सो अगर आप लोगों ने मिस करा है तो डोंट वरी, अभी भी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली है बिकॉज अब तो ये रेंज से निकला है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें जिसके थ्रू आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होते रहे और पैसे कमाने के चांसेस भी और बढ़ते रहे। चलिए लेट गेट स्टार्टेड, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी पे अगर आप लोग चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आज यूएस का जीडीपी का डाटा आने वाला है। अगर मार्केट अभी डेफिनेटली यूएस मार्केट की ऊपर है तो अगर डाटा अच्छा नहीं आता तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि उसका मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा या लास्ट में जब मार्केट क्लोज करेगी तो उसकी क्लोजिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आफ्टर दैट अगर हम चेक करें तो डेफिनेटली आज एक गैप अप आया था, ऑन अ गैप अप लेट मी जस्ट शो यू, एक गैप अप आया था और एक कंटिन्यूस फॉल आना स्टार्ट हो गई थी। इस फॉल में वी हैव टू वेट फॉर द रिवर्सल।
हम लोगों ने कोई भी रिवर्सल पे यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया इस रिवर्सल पे, कोई भी रिवर्सल्स पे, बट हम लोगों ने ये आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि यू कैन एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर चैनल। इस एक्सटेंड चैनल का जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ये जो मेजर लेवल था, इस मेजर लेवल के ऊपर गया, दैट इज 16,000 के ऊपर हमें क्लियर साइन ऑफ ब्रेकआउट देखने को मिल गया था एंड ऑलमोस्ट वहां से 16,200 तक की रैली कर चुका है। अब किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अ फॉल पुल बैक, अगेन एक फॉल, अगेन एक पुल बैक, तो बेसिकली ऑन अ डाउन ट्रेंड था। इस पर्टिकुलर लेवल जो इसका पीछे प्रीवियस स्विंग हाई था उस लेवल के ऊपर ही गया, ब्रेकआउट दिया, छोटा सा इसने रिट्रेसमेंट लिया है एंड अगेन ही ऊपर गया। सो दैट मीन्स अ क्लियर साइन ऑफ अ ब्रेकआउट और अ हायर हाई एंड हायर लो सिचुएशन ये बनाने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज अगर ये 16,200 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है देन इट्स अ क्लियर साइन ऑफ अ रिवर्सल, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉल देखी थी, अब एक हम अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 16,400 रुपीज विच इज आवर प्रीवियस स्विंग हाई, जहाँ पर एक डबल टॉप बना के एक फॉल करा था। तो हम ये स्ट्रैटेजी को भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। अब व्हाट वी कैन डू इज ओपन इंटरेस्ट का डाटा तो अभी ज्यादा नहीं होगा बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी थी और एफआईआई का डाटा से भी हमें अभी ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। सो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट इज अभी क्लोज और कल मार्केट जिस तरीके से ओपन होगी उस तरीके से हम अपने सिनेरियो को सेम ही रख सकते हैं अगर हमारे अकॉर्डिंग होती है या चेंज भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि 9:15 पे आप हमेशा अवेलेबल रहे मार्केट पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं आप लोगों को अपडेट्स दे पाऊँ कि क्या चेंजेस है और हमें कैसे प्लानिंग करना है पूरे डे। अब एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी ने तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, एज यू कैन चेक इट हियर, एक बहुत अच्छा रेंज था ऑलमोस्ट 5 मई से ये इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था और 26 मई को जाके गिव अ वेरी क्लियर साइन ऑफ अ ब्रेकआउट। अब यहाँ चेक कर सकते हैं, लेट मी जस्ट शो यू ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल एंड उसके बाद एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने एंड इस ब्रेकआउट पे हमारे टारगेट्स थे एग्जैक्टली, जस्ट लेट मी शो यू ऑन या सो यहाँ पर आप टारगेट चेक कर सकते हो, वी प्रोवाइड यू कि जो नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग आ रही है द नेक्स्ट टारगेट शुड बी 35,120 रुपीज, जब 34,800 पे ब्रेकआउट दिया था एंड डेफिनेटली उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ी मूवमेंट भी एक्सपेक्ट करी है। सो वट वी कैन डू इज एट दिस प्राइस, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है, लेट मी जस्ट शो यू, आप देख सकते हैं इट्स अ गैप, जिस गैप के थ्रू ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, एग्जैक्टली इस गैप को तो इसने फिल कर दिया है एंड फिल करने के बाद अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं तो आप चेक कर सकते हो इट्स अ 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची, जहां पर ये पॉज ले रहा है। सो अगर ये 35,200 के ऊपर निकलता है या फिर अगर ये डिप्स भी देता है क्लोज अराउंड टू 35,000 और 34,930, डेफिनेटली हम तब भी बाय कर सकते हैं, इट्स अ बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी फॉर नाउ, जब तक ये 34,730 के नीचे जाके क्लोज नहीं करता। हमारा जो स्टॉप लॉस था बैंक निफ्टी में दैट इज 34,160 का, वो इंक्रीज होकर 34,730 का हो चुका है और वी आर ट्रेलिंग अ स्टॉप लॉस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, हम लोगों ने एक बार भी सेल की बात नहीं करी और मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट। सो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, अब सारी बातें हम करेंगे थ्रू टेलीग्राम चैनल, जिस तरीके से पोजीशंस बनानी है, इट्स अ बुलिश साइन अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट डाटा, अभी कुछ ज्यादा देखने के लिए नहीं है। सो लेट्स गेट ऑन विद द स्टॉक्स एनालिसिस। तो सबसे पहला स्टॉक इज गोदरेज सीपी। सो गोदरेज सीपी मैंने आई हैव ऑलरेडी जस्ट सजेस्टेड यू इन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एंड लेट मी जस्ट शो यू, आप यहाँ चेक कर सकते हैं ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट था, उससे पहले एक बहुत अच्छी इंपल्स मूव हमें देखने को मिली है, आप देख सकते हैं वेरी गुड इंपल्स मूव, इट टेक अ रिट्रेसमेंट एट दिस लेवल और इसी लेवल से एक बहुत बड़ी इंपल्स मूव हमें अगेन देखने को मिली है। तो आप यहाँ पर क्लियरली चेक कर सकते हैं आफ्टर दिस डबल बॉटम इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करा 770 पे आई हैव सजेस्टेड यू कैन गो लॉन्ग एंड राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 780 रुपीज, डेफिनेटली अभी भी एक प्राइस अच्छा मिल रहा है। सो लेट मी जस्ट यूज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड हम चेक कर सकते हैं कि इसके नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं। So according to Fibonacci retracement, ये definitely 780 एक hurdle था, so it's a buy on dips opportunity, अगर 775 पे भी मिलता है, हम definitely buy कर सकते हैं, our next target should be 794 and 802 rupees का, इसको आप definitely check कर सकते हैं। इसके अलावा ICICI Bank I've suggested you in the morning, तो इसने clear sign of breakout दिया, as you can check it here, कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और अगर मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक प्राइस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट इनसाइड कैंडल एंड अ वेरी गुड ब्रेकआउट, सो हम इसको भी डेफिनेटली एज अ वॉच लिस्ट रख के चल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था
कि 726 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं. राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 732 रुपीस. बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी तभी भी इसके अंदर है बिकॉज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, तो इस पर भी हम लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. अब फर्स्ट टारगेट शुड बी आर प्रीवियस स्विंग हाई, दैट इज 742 रुपीस, एंड उसके बाद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हमें और ऊपर साइड में मिल सकती है. सो आर गाइस लास्ट स्टॉक इज अराउंड जस्ट लेट मी शो यू. तो आर लास्ट स्टॉक इज लिंडा इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आप लोगों को सजेस्ट करा है जिसपे हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. सो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है और एक रेंज के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा था फ्रॉम 23rd of April 2021 टू 10th of March, ऑलमोस्ट 9 महीने तक एक रेंज के अंदर था. आफ्टर ब्रेकआउट एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है. लेट मी जस्ट शो यू, एक बहुत अच्छी ऑलमोस्ट 50% की मूव देखने को मिली है. अब उस रिकवर करने के चक्कर में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, इस जोन का सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस कर रहा है. डेफिनेटली गाइस ये पहली बार रीटेस्ट करने आया उस लेवल को, तो यहाँ से डेफिनेटली बाउंस देखने को मिल सकता है. ये स्टॉक हमें 10-15% का रिटर्न बहुत इजीली दे सकती है इस कमिंग मंथ के अंदर, तो इसको वॉच जरूर कर सकते हैं. राइट नाउ ट्रेडिंग एट 2975, हम लोगों ने 2920 पे सजेस्ट कर रखा है. बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी अभी भी है. हमारे टेलीग्राम पे मैंने क्लियर दे रखा है कि हमें कौन से लेवल तक इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉसेस है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसके अलावा हम लोग अपना बुलसाई प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक पर्सनल प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करते हैं जहां पर हम आप लोगों को बताते हैं लाइव मार्केट पे कि कैसे आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, कौन से स्टॉक्स ले सकते हैं, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है, कहां पर पुट ऑप्शन करना है, कहां पर स्कैल्पिंग करनी है, एवरीथिंग. मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन का पैकेज मिलने वाला होता है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे. तो हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहिएगा एंड जो भी मैं वोट करता हूँ वहां पर आप अपने वोट्स जरूर प्रोवाइड करवाएगा. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसी पसंद है. थैंक यू सो मच, बाय बाय.